हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिस चीज़ की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है, ये नहीं पता होता है कि वो चीज़ कैसी होती है, कैसे बनती है। तो भाई अभी हम आए हैं दो, तो आप सब देख सकते हैं ये है ईंट। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे दुनिया में, हमारे देश में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं सब ईंटों से बने हैं। जहाँ देखो तहाँ ईंट ही ईंट लगा है। बिना ईंट के कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी घर, कुछ भी बन नहीं सकता है। ईंट बहुत ही ज़रूरी होता है उसके लिए। आप लोगों को पता होगा कि घर कैसे बनता है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो जो घर बनता है, जिस ईंट से बनता है, वो ईंट कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो गाइस आज हम आ चुके हैं ईंट की फैक्ट्री पर, जहाँ पर ईंट बनता है। फैक्ट्री कहे तो भट्टा है, चिमनी है, जहाँ पर ईंट बनता है। चलिए गाइस थोड़ा उसके ऊपर चढ़कर देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, और थोड़ा उसके अंदर भी प्रयास करेंगे घुसने का, देखेंगे कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। कम ऑन। हम लोग आ चुके हैं इस चिमनी के ऊपर, देख सकते हैं जैसे अलग से कोई दुनिया हो, ये मतलब सब पूरा अलग है। तो दिखा दे, ये है चिमनी जहाँ बनता है ईंट, और यहाँ का जो धरती है मानो हमारे धरती से अलग है पूरा। आओ इधर दिखाओ सब, इधर इसको देख सकते हो, पूरा एकदम अलग अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना है। यहाँ पर छोटे छोटे होल हैं, इसमें शायद कोई ऐसा कुछ डाला जाता है जिससे ईंट पकती है। पूरा अंदर तक होल गया है, होल दिखा दो। पूरा दूर तक इसके नीचे ईंट है जो पक चुका है, ईंट पर इसके अंदर अभी ईंट है। पूरा दूर तक पूरा ईंट ही बिछा है, जहाँ तक मेरा मतलब हाथ जा रहा है क्या, वहाँ तक जहाँ तक देख सकते हैं लास्ट जितना उसका एंड है, एंड तक पूरा ईंट अंदर बिछा है। तो आइए सब थोड़ा देखते हैं। पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, इंजन लगे हैं जो ईंट को बनाने में मदद करता है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी, यहाँ पर ढक्कन से ढका गया है, इसमें कोयला डाला जाता है। जब ईंट को पकाया जाता है तो इसमें पूरा कोयला डाला जाता है ताकि ईंट पक जाए। इसको हटा के इसमें डालते हैं, अभी तो फिलहाल ढका हुआ है, हटा नहीं सकते हम लोग, नहीं तो हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पर धीरे धीरे ईंट को निकाला जा रहा है, जो ईंट पक चुके हैं वो निकल रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे करके पूरा खाली कर दिया जाएगा यहाँ से। ये था ऊपर का सीन, अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चल के थोड़ा नीचे का व्यू देखते हैं और नीचे का कैसा रहता है। आइए तो भाई ये है यहाँ का एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग थोड़ा इसमें अंदर जा सकते हैं। यहाँ से देखिए ईंट निकल रहा है, इसके पहले पूरा ये ईंटों से पूरा भरा हुआ था, पूरा कवर था ईंटों से। यहाँ से इतना ईंट खाली किया भाई, यहाँ पर जितने ईंट लगे हैं सब आग से पकते हैं, तो उसमें का जो स्मोक रहता है इसी के रास्ते एंटर करता है स्मोक, और सीधा उस चिमनी के रास्ते, उस चिमनी के रास्ते वो सारे स्मोक निकलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है, पूरा स्मोक को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए बना है, सारे स्मोक को एब्जॉर्ब करके उसी रास्ते से निकालता है। तो ये इसके अंदर चलिए थोड़ा हल्के देखते हैं इसके अंदर का कैसा नज़ारा है। इसके अंदर पूरा, यहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर पूरा खड़ा होने का स्पेस है। पूरा ऊपर अंधेरा है, दिख नहीं रहा है यहाँ। ओ भूतिया, पूरा एकदम इसके यहाँ पर सब ईंट है, यहाँ पर ईंट पक चुके हैं पर ईंट भरा है। यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया रास्ता ताकि कोई जा ना सके, बस यहीं तक हम लोग आ सकते हैं। ये पूरा ईंट से भरा हुआ है। तो भाई देख सकते हैं छोटा छोटा घर बना है, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो ईंट को बनाते हैं। अभी तो फिलहाल बारिश का सीज़न है, उन लोग घर चले गए हैं क्योंकि बारिश में ईंट बनता नहीं है, और गर्मी के समर के सीज़न में ये लोग यहाँ पर आकर ईंट बनाते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर, यहीं पर सब लोग रहते हैं छोटा छोटा घर बना के, ये सब यहाँ पर सब लोग खाना वाना अपना बनाते हैं, बाल बच्चों के साथ सब लोग रहते हैं। देख सकते हैं छोटा सा एकदम पूरा है, इसमें बस रहने के लिए जगह है, समझ लीजिए कैसे भी करके उन लोग रहते हैं, और यहाँ सब लोग खाना वाना अपना बनाते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, जितना दिखा सकते थे हम दिखा दिए हैं इसका सीन। अच्छा। क्योंकि आज छठ पूजा भी है तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा छठ मनाने। मेरे दोस्त देखिए तैयार होकर पूरा रेडी होके आए हैं और वहाँ पर साइड में गाना चल रहा है तो जा रहे हैं थोड़ा छठ मनाने। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करिए हमारे। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।